हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं मिक्स वेज की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बनाने में बहुत ही आसान है। और जब मैंने इसे यहाँ पर टेस्ट किया ना, इसका टेस्ट भी बहुत कमाल था। तो बस जब आपको कुछ समझ ना आए कि क्या बनाना है, अपना फ्रिज खोलिए, जो भी सब्ज़ी मिले निकालिए, काटिए और बस शुरू हो जाइए ये मिक्स वेज की टेस्टी सब्ज़ी बनाना। ये खाने में बहुत ही स्वाद थी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा बनकर सामने आया था। ये रेसिपी मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स वेज की रेसिपी बनाना। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक भी करना। यहाँ मैंने ये रेसिपी बनाने के लिए लिए हैं थोड़े आलू, गोभी, सोयाबीन्स, पनीर, थोड़े अनियन, एक शिमला मिर्च और एक मैंने यहाँ पर बैंगन को काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ 4-6 हरी मिर्च, 2 बड़े टमाटर और 2 प्याज मैंने रख ली यहाँ पर काट लिए हैं। और खड़े मसालों के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 4-6 सूखी मिर्ची, धनिया, इलायची, काली मिर्ची और थोड़ी सी लौंग। और अब कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ी 7-8 गुली लहसुन की, थोड़े टमाटर। और टमाटर डालते हुए ना आप थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत सारा छींटे उड़ रही थी जब मैं यहाँ पे टमाटर को थोड़ा फ्राई कर रही थी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी थोड़े प्याज और 2-4 हरी मिर्ची। अब हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। और इन्हें फ्राई करने के बाद हम एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे सब्जी को बनाने के लिए। तो बस इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए हम इन सबको सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। नमक डालने से ना सब्जियाँ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। और इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लिया है। अब मैं इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी। मिक्स वेज की रेसिपी आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो जब तक ये ठंडी होगी हम यहाँ पर अपनी और सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा तेल लिया है और मैंने डाल दी है इसमें शिमला मिर्च, क्योंकि इस तरह से फ्राई करने के बाद जब आप इस सब्जियों को बनाते हो ना तो इनका कुछ अलग ही टेस्ट उभर कर सामने आता है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी थोड़े अनियन, क्योंकि इन दोनों ही सब्जियों को हम पूरी तरह से फ्राई नहीं करेंगे, इनमें थोड़ा क्रंचीनेस हमें रखना पड़ेगा जो खाने में और टेस्ट को ज़्यादा अच्छा कर देगा। और आप देख सकते हैं शिमला मिर्च और प्याज भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं इन्हें तेल से निकाल लूँगी और बस इसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ी गोभी को भी फ्राई कर लूँगी। देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ऑयल लेना है और सारी सब्जियों को एक के बाद एक हमें फ्राई कर लेना है। और सब्जियों को फ्राई करते हुए हमें मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। इसी तरीके से हम गोभी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे फ्राई करने के बाद अच्छे से साइड में निकाल लेंगे बस। और इसी तरह से हम अपनी सोयाबीन्स को भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे मिक्स करते हुए। और सोयाबीन्स के बाद हम आलू को भी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। और अब हमारा मसाला भी एकदम ठंडा हो चुका है, हम इसे मिक्सी जार में डालकर एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एकदम बारीक पीस लेंगे। और तब तक हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर पनीर को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पर तब तक हमने एकदम बारीक पेस्ट बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है और अब ये सब्ज़ी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर अब मैंने अपनी सभी सब्जियों को प्लेट में रख लिया है। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, बहुत सुंदर। और अब ये बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने लिया एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में थोड़ा मैंने डाला है जीरा। और ज़ीरा डालने के बाद यहाँ हम ज़ीरे को ब्राउन होने तक थोड़ा वेट करेंगे। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3-4 लौंग और 3-4 मैंने यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और अब हम इसे थोड़ा पकने का वेट करेंगे, थोड़ा इसे हिलाएंगे तेल में
और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और जैसे ये सब मसाले इसमें पक जाएंगे, हम बना हुआ पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट को डालने के बाद मैंने इसमें डाली है यहाँ पर हल्दी कलर के लिए। और यहाँ पे पेस्ट डालने के बाद हम फ्लेम को ना मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि इसमें हाथ जलने का थोड़ा डर रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बस। और अभी से हम अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को पकने का वेट करेंगे, जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता। और अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला बनने लगा है और इसमें से तेल बिल्कुल अलग होने लगा है। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही के। मैंने यहाँ पर मीडियम दही लिया है, ये ज़्यादा खट्टा वाला नहीं है, आप चाहे तो खट्टी दही भी यूज़ कर सकते हैं। और दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सारी फ्राई की हुई सब्जियाँ इसमें अच्छे से डालकर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप मिक्स वेज की ये रेसिपी बनाकर अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब इन सभी सब्जियों को आपस में आप अच्छी तरह से मिक्स करें और बस थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। 5 से 7 मिनट बाद अब गैस को ऑफ कर दें और देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप मिक्स वेज की रेसिपी इस तरीके से बनाकर अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी बनी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हमारे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।